हेलो एवरीवन, मैं विनीता और आप सभी को आज मैं अपना घर दिखलाती हूँ। तो चलते हैं घर के अंदर। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है और ये करीब करीब 10x15 स्क्वायर फीट का कमरा होगा और साइज़ में काफ़ी बड़ा है और इसके साथ अटैच्ड लैट एंड बाथ है। और ये 3 रूम एंड 3 लैट बाथ का फ्लैट है और इसमें 2 खिड़कियां हैं। और ये जो है हमारा एक लंबा सा हॉल है जिसमें कि डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया कंबाइंड है और ओपन किचन है जो कि इसी हॉल में खुलता है। और यहाँ पे है कि इस हॉल में करीब करीब 4 खिड़कियां हैं और काफ़ी स्पेसियस है। और यहाँ पे अच्छीता है जो कि कुछ खा रही है। और ये हमारा सेकंड बेडरूम है जिसको कि मैं बिल्कुल स्टोर रूम टाइप का बना के रखी हूँ और इतना यूज़ नहीं होता है, तो इसमें जो भी जितने भी बिना यूज़ वाले सामान हैं तो सारा कुछ इसी में रखा हुआ है। और ये जो डोर दिख रहा है वो जो है वॉशरूम है जो कि सेकंड बेडरूम एंड हॉल के लिए कंबाइंड है, तो दोनों तरफ से उसमें दरवाजे हैं। और ये हमारा यहाँ पे फ्रिज है, गर्मी होती है तो एक फ़ैन लगा है यहाँ पे। और ये हमारा किचन है जिसमें काफ़ी स्पेसियस है, ड्रॉअर वगैरह इसमें काफ़ी हैं तो मेरे लिए सफिशियंट है, बट फिर भी थोड़ा छोटा है। एक्चुअली इससे पहले मैं थोड़ा बड़ा किचन यूज़ करती थी। और ये जो है हमारा मंदिर एक्चुअली था, लेकिन इसमें है कि हमारा मंदिर थोड़ा आता नहीं है तो फिर मैं उसको उधर रख दी सेकंड रूम में और इसको मैं किचन के स्टोर रूम टाइप से इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये जो है हमारा थर्ड बेडरूम है जिसकी साइज़ थोड़ा छोटा है, मतलब कि ये अराउंड 10x10 का रूम होगा। तो इसको भी अभी हम लोग गर्मी है तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्लोथ स्टैंड, कभी कभी कपड़े डाल दो वॉशिंग मशीन से धो के, और एक बेड भी है जिसको कभी अकेले में रेस्ट करना है तो ठीक है इधर आके रेस्ट कर लेगा। और बाकी जो ये दिख रहा है वो हमारा मेन डोर है। इस घर की मुझे एक खासियत ये लगी ना कि सारी चीज़ों की पॉइंट बनी है, जैसे एसी की बनी हुई है, वॉशिंग मशीन की बनी हुई है, आरओ की बनी हुई है, टीवी की बनी है, तो सिर्फ लाओ और इंस्टॉल कर दो, तो कोई मतलब पंगा नहीं है। तो ये काफ़ी